हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में भी हम ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे और आज भी हम ट्रिगोनोमेट्री के आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो देखिए। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, अब देखिए आगे चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन दिया है अपने को कि कॉट ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट बी प्लस टेन ए, इसका मान पूछा है कि इन ऑप्शंस में से किसके बराबर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे, या तो आप उठाएंगे न्यूमरेटर को या फिर डिनोमिनेटर को और उसमें चेंजेस करेंगे। तो देखिए मैं न्यूमरेटर ले रहा हूं, तो न्यूमरेटर क्या है, कोट ए प्लस टेन बी अपॉन कोट बी प्लस टेन ए, ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। अब देखिए न्यूमरेटर में मैं चेंजेस कर रहा हूं, टेन ए प्लस वन अपॉन कोट बी अपॉन कोट बी प्लस टेन ए, ठीक है। तो यहां पे देखिए एलसीएम लिया अपन ने, टेन ए कोट बी, तो ऊपर क्या बनेगा, कोट बी प्लस टेन ए, कोट बी प्लस टेन ए, और अपना नीचे जो अपने को डिनोमिनेटर में दे रखा है वो आ ही गया, कोट बी प्लस टेन ए। अब देखिए कोट बी प्लस टेन ए अपॉन टेन बी कोट टेन ए है, ये टेन ए कोट बी मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन ही है ना, ये कोट बी प्लस टेन ए, ठीक है। तो देखिए यहां से कोट बी प्लस टेन ए, कोट बी प्लस टेन ए ये सेम है, तो ये कैंसिल आउट, बचा क्या अपने पास, वन अपॉन टेन ए कोट बी। लेकिन देखिए ऑप्शन जो सारे हैं वो वन अपॉन के फॉर्म में ना होके नॉर्मल फॉर्म में है, तो देखिए इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे तो टेन ए का क्या बनेगा, कोट ए बनेगा, और कोट बी का क्या बनेगा, टेन बी। तो देखिए कोट ए टेन बी, अपना ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, या तो आप न्यूमरेटर लेंगे या फिर डिनोमिनेटर लेंगे। अगर आप न्यूमरेटर ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस वाली ऊपर और नीचे एक प्लस वाले टर्म बनेगी, वो अपनी सेम बन जाएगी। और ऐसे ही अगर आप न्यूमरेटर ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए न्यूमरेटर के साथ मैंने बता दिया, डिनोमिनेटर के साथ आप खुद करके देखना, और बाकी देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस फॉर्म के जब क्वेश्चन है, इस फॉर्म के जब क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, जो आंसर रहेगा वो न्यूमरेटर है, जो जो न्यूमरेटर में टर्म है, न्यूमरेटर में जो टर्म्स है ना उनका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, जो न्यूमरेटर में टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए कोट ए प्लस टेन भी है और आंसर भी क्या आया, कोट ए प्लस टेन बी, कोट ए प्लस टेन बी। तो देखिए ये अपना आज का पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। तो इसमें अपने को क्या रहा, आप करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर आप चेंज करके करेंगे तो आप करके देखना, और मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उनमें जो न्यूमरेटर होगा वो टर्म जो टर्म दी हुई है उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन कर रहे थे, सीरीज वाले भी मैंने आपको कराए हैं एक दो क्वेश्चन, तो उनमें क्या था, अपन ऐसी टर्म्स को लेके चल रहे थे जिनका सम 90 डिग्री हो रहा हो, जिनका सम जो एंगल्स का सम है वो 90 डिग्री हो रहा हो, जैसे 2 प्लस 88 हुआ, 3 प्लस 87 हुआ। तो वहां से अपन कुछ ना कुछ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, टर्म्स दे दी 1 टू
89 डिग्री तक, 1 टू 89 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां पे भी मैं 1 डिग्री और टेन 1 डिग्री, और एक बार मैं क्या करता हूं, अब इस पूरे टर्म को तो अपन सोल्व करने बैठेंगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा, तो मैं क्या करता हूं वही 90 डिग्री का सेट उठाता हूं, वही 90 डिग्री का सेट उठाता हूं। 1 प्लस 89 90 डिग्री हुआ ना। अब देखिए हो गया 89 डिग्री। अब देखिए अब इसको या इसको किसी को भी एक को 10 में चेंज कर लीजिए। मैं कहता हूं मैं 89 वाले को कर रहा हूं 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 1 डिग्री प्लस। अब देखिए 10 89 है तो 89 को 90 माइनस 1 लिखेंगे और इसका इसका क्या करेंगे 10 90 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा 90 की वजह से कोण बन जाएगा और एंगल तो जो आएगा वो सेम आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहना ही है। तो देखिए 10 81 को अपन क्या लिख सकते हैं कोट 1 डिग्री, 1 प्लस कोट 1 डिग्री, ये मैंने लिखा। अब देखिए अब यहां पे इस कोट को 10 में चेंज करो वापस, 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 1 डिग्री प्लस 1 अपॉन 10 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 1 डिग्री, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चनों में आपको अपनी अप्रोच ही तय करनी पड़ेगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि पहले अपन 1 टू 89 डिग्री का लेके चलें, 1 टू 89 डिग्री का 1 टू 89 लेंगे ताकि 90 डिग्री बने, तो वो सेट मैंने उठाया, वहां पे मैंने एंगल सेम करने के लिए 10 को कोट में चेंज किया। अब यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, अब क्या यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा तो आप कोट को 10 में चेंज कर लीजिए। तो मैंने 10 में चेंज किया तो यहां पे 10 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 1 डिग्री प्लस, यहां पे देखिए 1 अपॉन 10 तो ये 1 अपॉन 10 1 डिग्री, ये मैंने बाहर ले लिया, और यहां पे देखिए ये 10 1 डिग्री, 10 1 डिग्री और यहां पे 10 1 डिग्री प्लस 1, यही बनेगा। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 10 1 डिग्री एलसीएम आया, एलसीएम 10 1 डिग्री आया तो ये यहां पे 10 1 डिग्री प्लस 1 ये बन गया। अब देखिए आगे पहले वाली टर्म वैसी की वैसी ही चल रही है अपनी, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखिए वहां से 1 अपॉन 10 1 डिग्री, ठीक है, और यहां पे 10 1 डिग्री ऊपर गया और ये आ गया 1 प्लस 10 1 डिग्री, ये रहा ये हुआ। अब देखिए यहां से 10 1 10 1 कैंसिल हो गया। अब इन टर्म्स से यहां पे 1 प्लस 10 1 डिग्री ये एलसीएम बना तो ऊपर इधर 10 1 1 डिग्री प्लस ऊपर यहां पे 1 बन रहा है, ये दोनों कैंसिल होके 1, ये दोनों कैंसिल होके 1 के इक्वल। अब देखिए यहां से हमने 90 डिग्री का सेट बनाया 1 टू 89 ये हो गया। फिर देखिए यहां पे इसको 89 को वापस 1 डिग्री बनाने के लिए कोट में चेंज किए। देखिए यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो मैंने इस वापस कोट को 10 में चेंज कर लिया। अब यहां पे देखिए एलसीएम लेना है, वो आपको आता होगा, एलसीएम लिया है। यहां से एलसीएम लेने के बाद में हमने फिर से वापस इनको देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको बताया भी है a बाई बी, इसमें c बाई डी से डिवाइड कर देंगे तो a बाई बी इंटू डी बाई सी होता है, ये मैंने आपको बताया। तो यहां पे ये 10 ऊपर चला गया तो यहां से 10 1 डिग्री 10 1 डिग्री कैंसिल आउट, और यहां पे 1 प्लस 10 1 डिग्री और यहां पे भी 1 प्लस 10 डिग्री और ऊपर यहां पे 1 रहा और यहां पे 10 1 डिग्री रहा, तो यहां पे ये एलसीएम आ गया वापस 1 प्लस 10 1 डिग्री और यहां 10 1 डिग्री प्लस 1 तो ये कैंसिल आउट हो गया 1। तो देखिए अपन ने क्या देखा, जब 90 डिग्री का जब 90 डिग्री का सेट बना तो दो टर्म्स की वैल्यू
का जो सम है, दो टर्म्स की जो वैल्यू है उनका जो सम बना है वो इक्वल्स टू वन के बन गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कितने टर्म्स है, 89 तक, और 1 to 89 के बीच 45 डिग्री ऐसी आएगी एक वैल्यू जिसके साथ हम किसी को भी मैच नहीं कर सकते 90 बनाने के लिए, नहीं कर सकते ना, ठीक है, क्योंकि 45 सिंगल ही आया है, दूसरा कोई 45 की डिग्री की थोड़ी आएगी ऐसे कि भाई 1 to 45 चले फिर वापस 45 लिख के 99 चले, ऐसा थोड़ी होता है ताकि इनका 90 डिग्री बन जाए, सब ऐसा नहीं है ना, 45 से 46 ही आएगा सीधा। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म तो ये बच गई 45, तो बची कितनी 89 में से, 88 टर्म्स बच गई, 88 टर्म्स बच गई। अब इन 88 टर्म्स में देखिए, देखिए मैं ऊपर वाला हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, एट्टी एट टर्म्स बच गई, 88 टर्म बच गई। अब देखिए उन 88 टर्म्स में कितने जोड़े बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, आप क्या करते हैं जोड़े बनाने तो दो से डिवाइड ही तो करते हो, जोड़े बनाने हैं तो दो से डिवाइड ही तो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना बना, 44 बन गया। तो देखिए 44 टर्म्स बनेंगी और एक टर्म अपने पास ये बनेगी 10 45 डिग्री प्लस 1/10 45 डिग्री, ये बनी, कैसे बनी, क्योंकि एक टर्म 45 डिग्री की भी आएगी इस सीरीज में। और देखिए 44 जोड़े जब बने हैं, 44 जोड़े बने हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं, टोटल टर्म्स कितनी है 88, टोटल जोड़े कितने बने 44, दो से गुणा किया तो टर्म आ गई, ठीक है, तो कितने टर्म बन गई 44, ठीक है 44 टर्म्स बन गई, 44 जोड़े बन गए, टर्म्स तो 88 है। तो देखिए इन 44 जोड़े जो बने हैं उनका सम कितना होगा, 44 गुणा 1, और यहाँ पे 1045 बन और यहाँ पे 1045, 44 गुणा 1 क्यों हुआ आप फिर से कहेंगे, तो देखिए अपन ने 101 डिग्री और 10 जो 89 डिग्री वाली टर्म थी उन दो का सम किया तब अपने पास आंसर कितना आया था 1, तब अपने पास आंसर कितना आया था 1। तो यहाँ पे जो 88 टर्म्स बन रही है, 88 टर्म्स बन रही हैं, इसमें जोड़े कितने बनेंगे 44 जोड़े, और हर जोड़े का आंसर कितना रहेगा 1, हर जोड़े का आंसर कितना रहेगा सम 1। तो यहां पे अपन ने 44 का आंसर आ गया इधर इन 88 टर्म्स का, और फिर ये वाली टर्म जो 45 की बनी है इसका आंसर आ गया 1/2, तो अपना आंसर आ 44 44 सही 1/2, 44 सही 1/2, थोड़ा आंसर इधर उधर हो गया है, ठीक है, पर मैंने जहां तक आपको समझाया वो हटाया है बस, ठीक है, तो आप देख लेना एक बार फिर से रिपीट करके देखना क्वेश्चन को, आप ये जोड़े बनाना सीखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है 90 डिग्री बनाने की कोशिश कीजिए, किन पेयर से 90 डिग्री बन रहा है वो वाली टर्म अपन उठाएंगे, तो 1 और 89 से बन रहा है, आप 2 और 88 से भी खुद से ट्राई करके देखिए, उसका भी सम क्या आएगा लास्ट में, उन दो टर्म्स का भी सम आएगा 1, और सम 1 आया और टोटल टर्म्स 89, उसमें मैंने बता दिया एक टर्म 45 डिग्री की है जिससे 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि 45 में 45 जोड़े हुए तभी 90 बनेगा, और 45 की दो टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म है, तो ये बचेगी एक टर्म, तो वो मैंने लिख दी, बची 88 टर्म्स। अब उन 88 टर्म्स से दो 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 के पेयर बनेंगे कितने 44, और उन दो दो पेयर के दो दो पेयर का आंसर कितना है 1, तो 44 पेयर के 1 आंसर है, तो आंसर आएगा इनका 44, और इस वाले टर्म का आया आंसर हाफ, तो अपना आंसर क्या रहेगा 44 सही 1/2। तो ये अपना क्वेश्चन भी पूरा हुआ, जिसको नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके जरूर देखिए, आ जाएगा एक दो बार में, ठीक है, और अपने आप से भी सॉल्व करिए। तो ये क्वेश्चन हुआ अपना सेकंड नंबर आया। अब देखिए नेक्स्ट में आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं जो अपने आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे, कि साइन 4 की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसका आंसर होता है 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा, ये फर्स्ट है। इसी प्रकार एक सेकंड है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर
सिक्स थीटा, इसका आंसर होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये दो टर्म्स अपने पास है। अब देखिए मैं इनको प्रूव करके दिखाता हूं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी थी अपने, इसकी वैल्यू अपन ने कितने ली थी, 1। अपन ने क्या लिया, वो तो होती है वैल्यू 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिए अपने को कहाँ जाना है, 2 से 4 पे जाना है। 2 से 4 पे कैसे जाते हैं, 2 की पावर 2 कर दीजिए। तो मैं कहता हूं ये दोनों साइड इस इक्वेशन का मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर कर लीजिए, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर किया मैंने, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं, 4 4 थीटा प्लस कोस का करिए, कोस स्क्वायर थीटा का कोस की पावर 4 थीटा प्लस यहां पे कितना आएगा, यहां पे कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 2 AB था ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या चाहिए, साइन 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यही अपने को प्रूव करना था। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, याद रखने का देखिए सिंपल सा तरीका है, पावर कहाँ जा रही है 4, पावर कहाँ जा रही है 4 पे, तो 1 माइनस तो दोनों में कॉमन है और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा भी दोनों में कॉमन है। फिर देखिए 4 4 का क्या किया, हाफ कर दिया, 4 का क्या किया, हाफ किया, हाफ किया तो यहाँ पे कितना आया 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे पावर 6 थी, 6 का हाफ किया 3 आ गया। देखिए बस इतना याद रखना आपको, पावर है उसका हाफ लिखना है, कितना है इसका 3 है इसका 2 है, और 1 माइनस और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, ठीक है। देखिए मैंने प्रूफ करके भी आपको बता दिया है, प्रूफ करके भी मैंने आपको बता दिया है कैसे होगा, बस आपको जो अपनी ये आइडेंटिटी है इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। अब देखिए स्क्वायर से पावर 6 पे जाना है तो क्या करें, स्क्वायर से 6 पे जाना है, स्क्वायर से 6 पे जाना है तो क्यूब कर दीजिए, क्यूब करेंगे क्या, क्यूब कर दी, ठीक है। अब देखिए देखिए क्यूब तो 8 होती है, लेकिन यहां पे क्यूब जाएंगे तब देखिए साइन स्क्वायर क्यूब, तो देखिए इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB ए प्लस बी, ये फॉर्मूला। और मैंने आपको वो बता रखा है कि ए क्यूब फिर 3, इसकी पावर डिक्रीज करिए दूसरे की पावर इंक्रीज करते चलिए, यही हुआ ना। अब मैंने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहां से 3 AB कॉमन आ गया तो वो मैंने कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी ये हो गया, अपन ने इतना ही किया। अब देखिए दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिए, तो देखिए फर्स्ट टर्म का क्यूब कीजिए तो साइन स्क्वायर का क्यूब, देखिए इस बार लिख रहा हूं साइन साइन टू द पावर 2 थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस टू द पावर 2 थीटा का होल क्यूब प्लस 3 AB, कितना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, आगे ये टर्म यहां लिख रहा हूं ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1 1 का क्यूब 1। अब देखें यहां पे ये कितना बन जाएगी, ये 6 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों हो जाएगी, अपने पास आइडेंटिटी है, ऊपर मैंने लिखी है वो कि वही आइडेंटिटी लिखी है फिर से, ठीक है। अब यहां से साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये अपने पास इसका भी प्रूफ हो गया। क्या किया, फर्स्ट वाले में हमने स्क्वायर किया,
और सेकंड वाले के लिए हमने होल क्यूब किया। होल क्यूब किया, होल क्यूब का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। और इसी प्रकार अगला है, फिर आगे देखिए ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और अगर इसको आप एक्सपेंड करके थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, यहाँ से मैंने थ्री ए बी को कॉमन लिया है तो उससे ए प्लस बी बना। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको, इसकी होल क्यूब बनी, इसकी होल क्यूब बनी, और फिर फॉर्मूला बोला थ्री ए बी, थ्री इंटू ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये अपना बन गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू वन होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऊपर आइडेंटिटी लिखी हुई है और मैंने आपको कई बार बता भी दिया है। फिर यहां से साइन टू द पावर सिक्स थीटा प्लस कोस टू द पावर सिक्स थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बचा, इसका वन मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म से, इक्वल्स टू वन रहा, वन का होल क्यूब वन, वन की कितनी भी पावर हो आंसर वन ही रहता है। और यहाँ पे साइन टू द पावर सिक्स थीटा प्लस कोस टू द पावर सिक्स थीटा इक्वल्स टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि अपने को प्रूफ करना था। तो ये अपना, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है अपने अगले क्वेश्चनों में काम आएंगी जब भी अपन आगे धीरे धीरे चलेंगे तब, ठीक है। तो ये हुआ अपना एक, दो प्रूफ हो गए अपने। देखिए फॉर्मूलोज का कुछ नहीं है, फॉर्मूलेज आपको याद करने ही पड़ेंगे और उनको अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा, दोनों चीजें आएंगी तभी ट्रिगोनोमेट्री के जो लेवल के क्वेश्चन होंगे वो तभी होंगे। मैं आपको एक और आइडेंटिटी एक और बताता हूँ। देखिए एक्स वाई इक्वल्स टू अगर वन, एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन जो वन है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वन अपॉन वाई है, वन अपॉन वाई है, तो इस कंडीशन में वन अपॉन वन टू द पावर है, वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई टू द पावर एन, इसका भी आंसर वन ही रहता है, इसका भी आंसर वन ही रहेगा। देखिए कैसे, वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन वन प्लस, अब वाई की जगह क्या लिखूं, वाई की जगह क्या लिखें, वन अपॉन एक्स होगा ना, ये देखिए ये इसके बराबर भी होता है, ये भी तो रहेगा, इसकी होल पावर है वन। अब यहां पे वन अपॉन वन प्लस एक्स एन प्लस ये एक्स एन है, एलसीएम जाएगा तो ये ऊपर चला गया नीचे से, और यहाँ पे एक्स एन प्लस वन, ये आप करके देखेंगे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, पीछे भी इतने कोर्ट वाला टेन वाला जो क्वेश्चन किया उसमें भी वैसे ही किया था। तो देखिए यहाँ पे सेम एलसीएम बन गया एक्स टू द पावर एन प्लस वन, और ऊपर भी वन प्लस एक्स टू द पावर एन, जो कि सेम ही है, ये कट के वन यहाँ पे और वन इक्वल्स टू वन, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस से ये अपना थ्योरी ये भी हुई। तो देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, बस आपको याद रखना है जब x इंटू वाई दो टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू वन हो जाए, मीन्स कि दो टर्म्स हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई टू द पावर एन इक्वल्स टू वन है, इक्वल्स टू वन रहेगा हर टाइम, चाहे ये पावर कितनी भी हो, ठीक है, चाहे ये पावर कितनी भी हो, इसका मतलब कितनी भी हो पावर, ठीक है। तो यहां से हम ध्यान रखेंगे ये वाला। तो ये अपना एक और थ्योरम पूरी हुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए इसमें क्या कहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू फाइव बाई 13, 5 by 13, और पूछा है कि 1 upon 1 plus sin cube theta plus 1 upon 1 plus cos cube theta। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी क्या बताया कि x और y अगर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या फिर उसका मतलब ये हुआ कि x y equals to 1 है, तो देखिए sin theta into cos theta
ये वन ही रहता है हमेशा, पता है आपको रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो देखिए यहां से अगर आप लिखना भी चाहें तो कोसेक थीटा हो, ये तो लिखते हैं 13/5, ये तो लिखेंगे। तो यहां से साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों का मल्टीप्लाई वन ही बन रहा है। देखिए चाहे वैल्यू से देख लीजिए, और अपने को पता है दोनों एक्स रेसिप्रोकल होते हैं, और अपन ने अभी किया है कि 1/1 + x^n + 1/1 + y^n, इसकी वैल्यू वन ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पे साइन है और ये कोस है, कोसेक है। तो देखिए हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में, और अपने को सीधा सीधा आंसर लिखना है इक्वल्स टू वन। और यहाँ पे भी देखिए टेन थीटा इक्वल्स टू 2019/2018, और इसी प्रकार कॉट में दिया हुआ है, तो यहाँ से टेन थीटा ये है तो कॉट थीटा 2018/2019, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इन वैल्यू से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स एन है, ये y^n है, ठीक है, और दोनों रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर भी इक्वल्स टू 1। तो अपने को इन क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, और बिना ये वैल्यूज को लिए अपने को सीधा आंसर लिख देना है, वन वन पे टिक करना है सिर्फ, ठीक है। इन क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, मैंने आपको बता दिया है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कितने भी पावर हो इस फॉर्म में है तो आंसर वन ही रहेगा, जो कि सबके लिए वन ही आएगा, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पूरे हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने को क्या करना होता है, देखिए अगर a² + b² = 0 दे रखा है, a² + b² = 0 दे रखा है, तो देखिए ये क्या होते हैं। अगर यहां से आप करेंगे तो यहां से तो आप बोल देंगे कि a² = -b² हो जाएगा। अब यही मान लीजिए a - b² + c - d या c + d² = 0 है, = 0 है। देखिए ये 0 है तो ये तभी 0 होगा जब आप इसको भी 0 लेंगे, और ये दोनों अलग अलग 0 होंगे तभी ये इसके बराबर प्रूफ हो पाएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके से भी अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी r cos θ - √3² है, और r sin θ - 1² है, जो कि 0 के बराबर है। तो यहां से ये दोनों टर्म्स भी अलग अलग 0 के बराबर रहेंगे, ठीक है। r sin θ - 1² = 0। तो यहां से तो cos थीटा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये √3 r cos θ ना, और यहां से r sin θ = हो जाएगा 1। r cos θ = √3 और r sin θ = 1। अब देखिए अपने से क्या पूछा है, r tan θ पूछा है, r tan θ और +sec θ / r sec θ + tan θ ये पूछा है। अब देखिए मैं यहां पे क्या करूं, मेरे को r tan θ की वैल्यू चाहिए, r tan θ की। अब देखिए यहां से मैं इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं, r sin θ / r cos θ कर दो, तो क्या रहेगा, √3, नहीं ये वन, ये 1/√3। तो इसको पूरे को r से r कैंसिल हो गया, ये यहां पे tan θ = 1/√3, 1/√3, ये अपने पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की आ गई। और इसी प्रकार अगर आप सेक थीटा की चाहिए, यहां से सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। देखिए यहां से कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, √3/r, और इधर से ही सेक थीटा क्या बनेगा, r/√3, r/√3, ये सेक थीटा बन गया। अब देखिए एक और चीज, देखिए इन दोनों का स्क्वायर कर दो,
इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ये हटा रहा हूं यहां से, मैंने आपको बता दिया अगर होल स्क्वायर होंगे और जीरो के बराबर होंगे तो दोनों जो जितने भी टर्म्स होंगी, दो ही नहीं जितने भी टर्म्स होंगे वो सब इंडिविजुअली भी अपने आप में भी जीरो के बराबर रखेंगे उनको। तो देखिए यहां से इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करके प्लस कर दूं, तो यहां पे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 + 1, ये स्क्वायर हो जाएंगे ना, 3 + 1, रूट 3 का स्क्वायर 3। यहां से आर स्क्वायर कॉमन आया तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 के बराबर, और ये 4, तो आर की वैल्यू 4 का अंडर रूट जो कि 2। तो अपने पास आर की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई और sec थीटा की आर बाई रूट 3 आई जो कि होगी 2 बाई रूट 3, जो कि होगी 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3। अब देख लीजिए, अब देखिए आगे, अब यहां पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट कर लीजिए कितनी है 2, टेन की 1/√3 प्लस sec थीटा कितनी है 2 बाई रूट 3 अपॉन 2 × 2/√3 sec थीटा की और 1/√3 ये tan थीटा की। यहां से रूट थ्री एलसीएम आया तो ये 2 + 2 = 4 और अपॉन में √3, यहां से भी √3 कॉमन आया और ये 4 + 1, सही है ना, यहां से √3 √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा 4/5, आंसर आएगा 4/5, 4/5, ठीक है। अपन ने क्या किया, अगर जीरो के बराबर कोई टर्म्स का सम दे रखा है तो वो इंडिविजुअली भी उनका जो स्क्वायर है वो भी जीरो के बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे अगर आप माइनस भी होगा कोई टर्म माइनस भी होगी तो वो लास्ट में आके प्लस ही हो जाएंगे स्क्वायर होके, और यहाँ पे प्लस प्लस तो फिर तो और आगे आगे जाता रहेगा, तो ये इंडिविजुअली तभी हो सकता है जब ये इंडिविजुअली भी जीरो के इक्वल हो। तो यहाँ से जीरो के इक्वल पुट करके हमने वैल्यू निकाल ली आर साइन थीटा और आर कोस थीटा से, आर कोस थीटा से कोस थीटा की निकाल ली, यहां से सेक थीटा की निकाल ली, ठीक है, और यहाँ पे टेन थीटा की निकाल ली वैल्यू दोनों को डिवाइड करके और दोनों के स्क्वायर्स करके सम करके यहां से अपन ने आर की वैल्यू निकाल ली। और फिर क्या करना है अपने को, आर की और टेन थीटा सेक थीटा की वैल्यू पुट करनी है, टेन थीटा सेक थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली तो अगर आपको सेक की निकाल ली तो आप वैसे भी निकाल सकते थे कि ये परपेंडिकुलर ये बेस तो हाइपोटेनियस 3 + 1 = 4, 4 का अंडर रूट 2, ठीक है, और sec थीटा क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोस का उल्टा होता है, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, तो ये अपना क्वेश्चन पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + cos x + cos2x + cos3x टर्म्स तक जा रहा है और इसका सॉल्यूशन दे रखा है 4 + 2√3। अब पूछ रहा है कि x इक्वल्स टू कितना रहेगा जो कि एंगल। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 to cos x, cos x to cos square x और cos square x to cos cube x। तो अपने को पता है हर बार यहाँ पे अपन cos x से और यहाँ भी cos x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सीरीज बनी, इस सीरीज को हम बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी हुआ, जब इस गुणोत्तर श्रेणी में इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, तो इसका जो सम होता है वो होता है a/(1 - r), जहां पे a/(1 - r), जहां पे a तो होता है फर्स्ट टर्म और जो r होता है वो होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो देखिए आप इस पूरी सीरीज के अगर सम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस
कॉमन रेशियो जो कि क्या है कॉस एक्स। तो ये इस पूरी टर्म का सॉल्यूशन बनेगा, ये इस पूरी टर्म का सॉल्यूशन बनेगा जो सम बनेगा। अब देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने आपको बता दिया है जीपी क्या होती है, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म के क्वेश्चन कई टॉपिक्स में आते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन जीपी से इनफाइनाइट टर्म के लिए आते हैं क्योंकि इसका यही फॉर्मूला थोड़ा इजी रहता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है और याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए अपने क्या बनाया, सम क्या बनाया, वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स क्यू, क्योंकि फॉर्मूला क्या था ए अपॉन वन माइनस ए आर, जहां पे ए फर्स्ट टर्म और आर कॉमन डिफरेंस। ये किसके इक्वल है, 4 + 2√3 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये बन गया 1 + 4√3 1 / 4 + 2√3। ठीक है, अब देखिए 1 - cos x, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका रहता है हर बार। ठीक है, अब देखिए ऊपर तो कुछ नहीं है, सेम टू सेम 4√3। अब देखिए ये प्लस है या वहां पे माइनस है, टर्म सेम है, तो a+b a-b है, तो फॉर्मूला किसका बना, a² - b² का। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना रहा, 16, और इसका स्क्वायर कीजिए 2 का स्क्वायर 4√3 का 3, 4 × 3 = 12। तो आंसर क्या रहा, 4 - 2√3 / 4, तो आंसर रहा 1 - √3/2। तो 1 - cos x = हो गया 1 - √3/2 के। देखिए आप इसको ऑन कंपैरिजन से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और कॉस एक्स इक्वल्स टू √3/2, जो कि एक्स की वैल्यू जब 30 डिग्री होती है तब कॉस एक्स की वैल्यू √3/2 होती है। तो हमने इसमें देखा कि जीपी है, जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम लगाया, और सम लगाने के बाद में हमने यहाँ पे इनका कंजुगेट किया, रेसिप्रोकेट किया इन दोनों तरफ, और फिर इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किया। देखिए आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर 1 + cos x बनेगा और नीचे क्या बनेगा, 1 - cos² x, जो कि sin² x में चले जाएगा। sin² x है वो एक और लंबी टर्म बन जाएगी, आप उस साइन को नहीं हटा पाएंगे यहां से। ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकेट करके कंजुगेट इससे मल्टीप्लाई किए, इसके मल्टीप्लाई किए इससे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने से ये क्वेश्चन पूछा है सॉल्यूशन नंबर 7 क्वेश्चन का, sin x + cos x = c और sin 6x + cos की 2 द पावर 6x पूछा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था sin 2 द पावर 6x + cos 2 द पावर 6x = 1 - 3 sin² x cos² x होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को मैं अभी आपको लेंथ बता रहा हूं, बाकी इसको वैल्यू पुटिंग से करना ज्यादा बेटर रहता है। तो वैल्यू पुटिंग जब आप करेंगे, अपन करेंगे, तब मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, और साइन और कोस जहां पे रहते हैं, अगर वैल्यू पुटिंग करनी होती है तो 0 या 90 रखना होता है, क्योंकि उसमें एक टर्म 0 हो जाती है और एक 1 बन जाती है। ठीक है, तो ये अपन इस फॉर्मूले से करके देते हैं। अब देखिए ये वैल्यू बन गई अपने को sin² x cos² x चाहिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, कहां से आएगा इस टर्म से, अगर इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, ये बन गई sin² x + cos² x + 2 sin x cos x = c². ठीक है, यहां से ये पूरी टर्म 1 बन जाती है, इसीलिए जब sin x + cos x हो तो स्क्वायर करना ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 sin x cos x यहां से आ गई c² - 1, c² - 1 आ गई, और अगर मैं इसको sin x cos x लिखूं तो c² - 1/2 बन गई। अब अपने को इनके भी स्क्वायर चाहिए, तो मैं इन पूरी टर्म्स का फिर से स्क्वायर कर देता हूं, इनका फिर से स्क्वायर किया। तो यहां पे sin² x cos² x = c² - 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका क्या रहेगा c की पावर 4
प्लस वन माइनस टू सी की पावर टू, समझ गए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो यहां पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, वन माइनस थ्री इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आई, सी फोर सी टू द पावर फोर प्लस वन माइनस टू सी स्क्वायर वाई फोर। अब यहां से कितनी वैल्यू रहेगी, फोर, एलसीएम आ गया, तो यहां पे फोर माइनस थ्री सी टू द पावर फोर प्लस, नहीं माइनस ही आएगा, माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सिक्स सी स्क्वायर अपॉन फोर। यहां से वैल्यू कितनी बनी, वन माइनस थ्री सी टू द पावर फोर प्लस सिक्स सी स्क्वायर अपॉन फोर, तो ये वैल्यू बनी। और ये वैल्यू अपना कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो ये अपना इसका सॉल्यूशन हुआ। आपने वो क्या किया, इसकी वैल्यू अपने को पता है डायरेक्ट, देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, मैंने मेथड बता दिया है आपको, पीछे आप देख लेंगे। तो यहां से ये फॉर्मूला आया, अब अपने को ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू कैसे आए, अपने को पता है इस पूरे का अगर स्क्वायर कर दे तो अपने पास साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू आ सकती है, जो कि क्या आई थी, सी स्क्वायर माइनस वन बाई टू। अब अपने को इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया यहां, तो इसकी वैल्यू ये आई, और ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट किया, बस इतना ही यह है। तो यहां से अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन पूरा हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है अंडर रूट दिया हुआ है वन अपॉन कोस टू द पावर फोर 90 माइनस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे, कोस का क्या होता है, साइन हो जाता है, और पावर फोर दी हुई है तो फोर प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है तो कोस थीटा, और स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर माइनस से वन, माइनस से वन, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसको वन माइनस साइन टू द पावर फोर थीटा माइनस वन अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी माइनस आ गया, माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये माइनस चला जाएगा। अब देखिए ये क्या बना, वन अपॉन साइन फोर थीटा पावर फोर थीटा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बन गया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। अब यहां से एलसीएम लिया, क्या आया, साइन टू द पावर फोर थीटा, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टू द पावर फोर थीटा। अब देखिए मैं आगे यहां पे लिख रहा हूं, अंडर रूट लिया तो ये कोस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए एक बार कोस थीटा के नीचे साइन थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा, ये कितना बना, ये तो बन गया कोट थीटा और ये बन गया कोसेक थीटा, तो ये अपना आंसर रहा कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा, ये अपना आंसर रहा, हो गया। देखिए समझ गए होंगे आपको, 90 माइनस थीटा इस वजह से चेंज हुआ। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा से हो सकता है, और अगर आपको डायरेक्ट करना आए तो और ही बेटर है, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे सीधा साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा किया है, बाकी अगर आप सीधा करें तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये होगा पूरा अपना सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एक तो देखिए जहां पे ये सेम हो, अंडर रूट हो या फिर अंडर रूट नहीं हो, तो इस प्रकार में आप क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, और ये कोट और कोस में, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं साइन में और कोस में ही चेंज करना चाहता हूँ,
तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस की जगह आ गया ना, यहाँ पे कोस थीटा है ही, और यहाँ पे भी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए इस पूरे में से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में से अगर आप कोस कोस कॉमन ले लीजिए, मैं कहता हूं इन दोनों में से कोस यहाँ पे कॉमन आया तो यहां बना वन अपॉन साइन थीटा प्लस वन, और नीचे भी कोस कॉमन आया तो नीचे बना वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन, यहां से कोस थीटा कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए आगे साइन थीटा एलसीएम आया तो ऊपर क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं वन प्लस साइन थीटा, और यहां पे एलसीएम साइन थीटा, नीचे भी एलसीएम साइन थीटा, और बनेगा क्या वन माइनस साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट, तो अपने पास टर्म बनी वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको पूरे को मैं इसके कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर ही किया है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही किया है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए फिर से अंडर रूट लगा दिया है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट को हटा लीजिए, अंडर रूट के अंदर ही किया है मैंने, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला वन प्लस ये प्लस है, इसका नीचे वाले कंजुगेट लेते हैं ना, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा तो बाहर आएगा अंडर रूट से तो पावर हट जाएगी, तो वन प्लस साइन थीटा अपॉन ये क्या बना, ये बना वन माइनस अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल किसके होता है, जो कि इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के, और कोस स्क्वायर थीटा से अगर अपन अंडर रूट हटाएंगे तो कोस थीटा, अब वन अपॉन कोस थीटा ये दोनों से डिवाइड कर दो, एक बार कोस वन से कर दो एक बार साइन पे कर दो, तो वन अपॉन कोस थीटा तो होगा सेक थीटा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करना है ये आपकी मर्जी, अगर आप यहां करना चाहो तो यहां कर लो, लेकिन मेरे को तो बेटर ये लगता है कि पहले आप इनको चेंज कर लीजिए, पहले आप इनको चेंज कर लीजिए, लेकिन अगर सेम टर्म हो तब चेंज करने की कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती है, यहाँ पे क्या बेटर ये है कि कोस साइन में आप चेंज कर लें, साइन में या कोस साइन में चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ से फिर मैंने कोस बाहर निकाल लिया, सब में कॉमन ले लिया ऊपर भी और नीचे भी, फिर ऊपर बना वन अपॉन साइन थीटा प्लस वन, और नीचे बना वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन, तो यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आया तो वन प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा एलसीएम आया तो वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसके कंजुगेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कंजुगेट वो होता है जो न्यूमरेटर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि यहाँ पे स्क्वायर की टर्म बने, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी की टर्म बने, ये दो टर्म बने ताकि जो सोल्यूशन आए वो आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। और यहां से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना, ऊपर बनेगा वो वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, और उसका अंडर रूट रहेगा, तो अंडर रूट को हम हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और जैसे कि यहां भी देखिए कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हटाया था, कोस थीटा ही बचा, फिर यहाँ पे इसको क्या किया हमने, वन अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऐसे किया, ठीक है। तो यहां से हम वन अपॉन कोस थीटा तो सेक थीटा हो गया, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया टेन थीटा, तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ, समझ में आया होगा आपको, एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चन नंबर नाइन कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आज का टेंथ नंबर, देखिए साइन थीटा और कोस थीटा आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू पुटिंग से अगर आप 0 और 90 डिग्री में से कुछ रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और वही बेटर ऑप्शन वही करना होता है इनमें, वैल्यू पुटिंग से करना होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो देखिए ये कोसाइन 6 टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस 2 द पावर 6 थीटा है, तो इसका क्या था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये बना, ठीक है। इसी प्रकार इसका क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा,
ये बन गया, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या कर सकते हैं हम। नीचे देखिए कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा अपने को, लेकिन एक चीज है कि यहां पे मैं करता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अपन ने क्या किया, इस टर्म को देखेंगे, इस टर्म को देखेंगे, ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। अभी अपन पिछली पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी है और ए माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूं, टू माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री प्लस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्या रहा, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल आउट, ठीक है। अब नीचे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ ही कोस ही ले लेते हैं पहले, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कितना बनेगा, ये बनेगा इक्वल्स टू वन, आइडेंटिटी है अपनी। तो देखिए ऊपर क्या रहा, टू माइनस थ्री रहा तो माइनस वन, नीचे क्या रहा, ये वन बन गया, और नीचे रहा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे ये कितना रहा, माइनस वन, और यहां पे कितना बनेगा, यहां पे बनेगा ये माइनस है ये प्लस है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो कि माइनस है और माइनस से कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये माइनस का टू है ये प्लस का वन है और दोनों कोस हैं तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से अगर हम कॉमन ले लें, यहां पे मैं माइनस कॉमन ले लूं तो टर्म क्या बनेगी, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस यहां पे कॉमन, और ऊपर भी माइनस वन है, और ये आइडेंटिटी वन के बराबर होती है ये अपनी, तो माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल तो वन, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा वन। जब अपन वैल्यू पुटिंग करेंगे तब थीटा इक्वल टू जीरो लिख लीजिए या फिर 90 डिग्री लिख लीजिए, ठीक है। जब अपन वैल्यू पुटिंग करेंगे तब देखेंगे इसको फिर से वैल्यू पुटिंग से। बस वैल्यू पुटिंग में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वन अपॉन जीरो की वैल्यू अभी तक अपने को पता नहीं है, ठीक है। वन अपॉन जीरो की वैल्यू नहीं पता है, जो कि इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 10, समझ में आया होगा। ऊपर वाले फॉर्मूले लगाए हैं बस, और नीचे मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी पता नहीं चला, तो मैंने क्या किया, इनके स्क्वायर्स लिख लिए, इन दोनों के स्क्वायर लिख लिए। क्यों लिख लिए, क्योंकि मेरे को पता है एक टर्म क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, एक टर्म को वन बनाएंगे तो अपने पास टर्म्स टूट जाएंगी। यहाँ पे अगर वन बनाने के लिए क्या करें, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बने, तो मैंने इनका होल स्क्वायर ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ से ये टर्म वन हो गई और ये टर्म इसके साथ आई, तो फिर से यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों प्लस के चले गए, प्लस के जाने से इसकी टर्म वैल्यू फिर से वन हो गई, बाहर पहले से माइनस था तो माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू वन। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अपने से पूछा है कि कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा इक्वल्स टू ए है और साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू बी है, तो साइन स्क्वायर बीटा बताइए। अब देखिए अपने को सिर्फ बीटा की वैल्यू चाहिए, सिर्फ बीटा चाहिए, तो मैं देखिए यहां से कोस अल्फा लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए कोस बीटा, और यहां से साइन अल्फा लिखूं तो बी साइन बीटा, ठीक है, हो गया। अब अपने को आइडेंटिटी पता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, ए स्क्वायर कोस अल्फा की पुट कर रहा हूं ए कोस बीटा, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा की तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू वन, हो गया। अब देखिए फिर से अपने को सिर्फ साइन ही चाहिए, सिर्फ साइन ही चाहिए, तो
इसको भी मैं साइन में लिख दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं ना, क्योंकि कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू भी वन ही रहेगा, एंगल सेम आना चाहिए बस, और फिर आइडेंटिटी लग जाती है और साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू वन ये हो, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आ गया तो ये बना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस ए को मैं इधर ले गया तो वन माइनस ए स्क्वायर हो गया, वन माइनस ए स्क्वायर। और ये अपने को क्या चाहिए, पूछा क्या है, साइन स्क्वायर बीटा, जो कि क्या रहेगा वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहां तक देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार, अपने को पूछा है साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा पूछा है, और अपने को कोस अल्फा कोस बीटा दे रखे हैं, तो मैं सारों को कोस अल्फा में लिखा, मैंने कोस अल्फा ए कोस बीटा और साइन अल्फा बी साइन बीटा, क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिखूंगा तो वन होगा, यहां से कोस स्क्वायर बीटा भी प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी वन होता है, वन तो होगा लेकिन अपने बीटा टर्म जो है वो हट जाएगी, अपने को क्या चाहिए बीटा ही चाहिए सिर्फ, तो अल्फा को हटाने के लिए अब यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखा, ए कोस अल्फा कोस बीटा लिखा, उसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू वन। अब देखिए कोस स्क्वायर बीटा है, मेरे को सिर्फ साइन चाहिए, तो मैं फिर से इसको क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू वन। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म क्या बन रही है, ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को मैं इधर ले गया तो वन माइनस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लिया तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब यहां से साइन स्क्वायर बीटा वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपना सॉल्यूशन बना, ये अपना सॉल्यूशन बना है। ये अपना सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो देखिए ये आज आज अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, अगली क्लास में भी हम ट्रिगोनोमेट्री करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में अभी काफी टाइप के क्वेश्चन पड़े हैं बचे हुए हैं तो वो करेंगे अपन, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और साथ ही कोई कमी है तो वो कमी जरूर बताएं हमें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।